This video is brought to you by Infinix Hot 10S. अमेरिकन शो फ्रेंड्स सन 1994 से 2004 तक चले पूरे 10 सीजन वाले इस शो ने दुनिया को दीवाना बनाया। शो अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि विश्व भर में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की जो अभी भी कायम है। फ्रेंड्स ने उस वक्त के यूथ कल्चर को जबरदस्त इन्फ्लुएंस किया था। मतलब वर्ल्ड वाइड लड़के जोई की तरह कूल जैकेट्स पहनना चाहते थे या फिर पहन रहे थे, तो लड़कियां रेचल की तरह हेयर स्टाइल कैरी कर रही थी। दुनिया भर में कॉफी कल्चर लाने में भी शो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फ्रेंड्स के कैरेक्टर ज्यादातर कॉफी पीते थे। अब आप इस शो के इम्पैक्ट का इस बात से पता लगा सकते हैं कि शो एयर होने के कुछ साल बाद इंग्लैंड जैसे चाय प्रेमी कंट्री में भी कॉफी की खपत कई गुना बढ़ गई थी। इंडिया में भी जो कैफे कॉफी डे है वो सालों तक हंसता चल रहा था। 1999 में भारत में फ्रेंड्स एयर होने के बाद वो तेजी से चलने लगा और कुछ ही सालों में पूरे देश में कैफे कॉफी डे के बहुत से ब्रांचेस खोले गए। इस सिटकॉम को बंद हुए तकरीबन 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई दफा फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाता है। हाँ, तो अब अगर आप भी फ्रेंड्स के फैन हैं तो हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज भी है। शुरुआत गुड न्यूज से करते हैं। न्यूज ये है कि फ्रेंड्स का वन नाइट ओनली स्पेशल शो फ्रेंड्स रियूनियन आने वाला है। HBO मैक्स के यूट्यूब चैनल पर उसके शो का ट्रेलर आ गया, जिसमें शो की पूरी कास्ट यानी कि रेचल का किरदार निभाने वाली जेनिफर एनिस्टन, मोनिका का किरदार निभाने वाली कोर्टनी कॉक्स, जोई का भूमिका निभाने वाले मैट लेब्लांक, चैंडलर का किरदार निभाने वाले मैथ्यू पेरी, उसके साथ फीवी बनी लीजा कुड्रो और रॉस का किरदार प्ले करने वाले डेविड श्विमर शामिल हुए। 2 मिनट लंबे चले इस ट्रेलर में देखने को मिलता है कि शो की कास्ट अपने शो से जुड़ी मजेदार यादें एक दूसरे के साथ साझा कर रही हैं। फ्रेंड्स के बाद उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, वो शो उन्हें कैसे मिला, शो की शूटिंग के दौरान क्या क्या मजेदार किस्से हुए, इस पर बैठकर चर्चा हो रही है। साथ ही फ्रेंड्स के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स को सीन्स को रिक्रिएट किया जा रहा है। वैसे तो इस स्पेशल रियूनियन एपिसोड की शूटिंग पिछले साल फरवरी में होनी थी, लेकिन COVID-19 के चलते इसकी शूटिंग टलते टलते इस साल अप्रैल तक कंप्लीट हो पाई। फ्रेंड्स रियूनियन के एपिसोड को भी उसी वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियोज के स्टेज 24 में शूट किया गया है जहां ओरिजिनल एपिसोड्स शूट किए गए थे। इस शो में आपको फ्रेंड्स की कास्ट के साथ साथ पॉप स्टार लेडी गागा, जस्टिन बीबर से लेकर नोबेल प्राइज विनर मलाला भी दिखेंगी। ये शो अमेरिका में 27 मई को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। अच्छी खबर के बाद अब बुरी खबर ये है कि इंडिया में HBO मैक्स उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस स्पेशल शो को देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये शो भविष्य में नेटफ्लिक्स पर आ सकता है जिसके पास फ्रेंड्स के पुराने सीजन के स्ट्रीमिंग राइट्स मौजूद हैं, या फिर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आ सकता है जिसने हाल ही में लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव कंटेंट डील साइन की है फ्रेंड्स की प्रोडक्शन कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स के साथ। वैसे शो हॉटस्टार प्रीमियम पर भी आ सकता है जिसके साथ HBO का पैचअप है। सो बात की एक बात कि अभी तो शो देखने का कोई जरिया है नहीं, फिलहाल तो रेंट पे शो स्ट्रीम करने का भी इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। दी ललन टॉप देखते रहिए। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।